संस्कृति नमस्कार साथियों, लीजिए एक बार पुनः आ गया रविवार और हम सब हाजिर हैं आपकी सेवा में संस्कृति समाचार दर्पण का 153वां अंक लेकर। आज फिर हम विद्यालय से जुड़ी सारी छोटी बड़ी खबरों को आप तक पहुंचाने के लिए हाजिर हैं। विलंब ना करते हुए चलते हैं हमारे संवाददाताओं के पास। जैसा कि हम जानते हैं कि विद्यार्थियों का दिमाग प्रारंभिक 5 वर्षों में अत्यधिक क्रियाशील रहता है। इस समय में सिखाई गई गतिविधियां विद्यार्थियों के भविष्य निर्माण का आधार होती हैं। इसी संदर्भ में ग्रॉस मोटर स्किल डेवलपमेंट के अंतर्गत किंडरगार्टन के विद्यार्थियों को जिग जैग गतिविधि संपन्न कराई। इस गतिविधि में विद्यार्थी अपने कागज पेंसिल की सहायता से शंकुओं के बीच जिग जैग चले। इस प्रकार की गतिविधियां विद्यार्थियों के मानसिक संतुलन और सकल मोटर कौशल के लिए अच्छी होती हैं और छात्रों के बौद्धिक विकास में सहायक होती हैं। साथ ही यह गतिविधियां छात्रों के लिए ज्ञानवर्धक एवं मनोरंजक ढंग से एकाग्रता बढ़ाने में भी सहायक होती हैं। चंदा मामा दूर के पुए पकाए बूर के, यह गीत हमारे बचपन से लेकर आज तक के बच्चों के लिए भी बड़ा ही आनंद और उत्साह से भर देने वाला बाल गीत है, जिसे सुनकर अनायास ही बच्चों के मन में चांद के विषय में जानने की उत्कंठा जाग जाती है। इसी संदर्भ में विद्यालय के नन्हे मुन्ने विद्यार्थियों के साथ गत सप्ताह की 20 तारीख को इंटरनेशनल मून डे अर्थात चंदा मामा के विषय में विभिन्न प्रकार की आकृतियों तथा चंदा से संबंधित अनेक गीतों के साथ थिरकते हुए बाल विद्यार्थियों ने यह अंतर्राष्ट्रीय मून दिवस मनाया। यह दिन चांद पर पहली बार कदम रखने वाले नील आर्मस्ट्रांग, बज एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस की एक विश्व स्तरीय यात्रा को याद करते हुए मनाया जाता है, जिसमें अपोलो 11 मिशन के तहत ये तीनों यात्री 20 जुलाई 1969 के दिन चांद पर उतरे थे। जुलाई माह के तीसरे रविवार को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आइसक्रीम डे मनाया जाता है। इस अवसर पर विद्यालय के किंडरगार्टन के विद्यार्थियों ने क्राफ्ट वर्क की सहायता से अपनी मनपसंद आइसक्रीम डिजाइन तैयार की और बड़े ही रोचक मनोरंजक ढंग से राष्ट्रीय आइसक्रीम दिवस मनाया। ज्ञातव्य हो कि यह दिन संयुक्त राज्य अमेरिका में जुलाई के तीसरे रविवार को राष्ट्रीय नामांकन दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष यह जुलाई 2023 है। राष्ट्रीय नामांकन दिवस अवकाश की शुरुआत 1984 में राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन द्वारा की गई थी। जुलाई को राष्ट्रीय नामांकन माह घोषित किया गया था। छुट्टियों का उद्देश्य जैसे स्वादिष्ट और ताजा व्यंजन का जश्न मनाना है। मध्य प्रदेश वुशु एसोसिएशन ग्वालियर में आयोजित 24वीं मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय वुशु प्रतियोगिता 2023 के जूनियर वर्ग में संस्कृति विद्यालय की छात्रा कुमारी याशिका शर्मा ने स्वर्ण पदक प्राप्त कर न केवल स्वयं एवं अपने माता पिता का नाम रोशन किया, बल्कि विद्यालय और अपने शहर को भी गौरवान्वित महसूस करवाया। इस अवसर पर विद्यालय के निदेशक श्री देवेंद्र सिंह, प्राचार्य श्रीमती इंद्रपाल कौर, उप प्राचार्य श्रीमती प्रतिभाजी पटेल सहित समस्त विद्यालय परिवार ने बालिका को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए अपना हार्दिक आशीर्वाद प्रदान किया। विद्यार्थियों में एक दूसरे के प्रति मित्रता, प्रेम, भाईचारे के भाव भरने के उद्देश्य से इन दिनों विद्यालय में अनेक गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इसी संदर्भ में गत सप्ताह कक्षा 11वीं एवं 12वीं के विद्यार्थियों के बीच संस्कृति मैत्री वॉलीबॉल मैच का आयोजन किया गया। इस मैच का उद्देश्य हार जीत से कहीं ज़्यादा विद्यार्थियों में खेलों के प्रति लगाव, खिलाड़ियों में आपसी सामंजस्य और खेल भावना को मजबूत बनाना रहा। समस्त विद्यार्थियों एवं अभिभावकों को सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय स्तरीय ओलंपियाड द्वारा आयोजित NSES तथा IOQM परीक्षाओं हेतु रजिस्ट्रेशन की तिथियों की घोषणा कर दी गई है।
ज्ञातव्य हो कि यह परीक्षाएं विज्ञान गणित सहित अनेक विषयों हेतु संचालित होती हैं। अतः विद्यार्थियों से निवेदन है कि वे अपनी अपनी रुचि अनुसार विषयों को चुनकर परीक्षाओं के विषय में विस्तृत जानकारी हेतु अपने विद्यालय के शिक्षकों से संपर्क करें। आज के लिए बस इतना ही। हम पुनः हाजिर होंगे कुछ नवीन खबरों के साथ। तब तक के लिए लेते हैं एक साप्ताहिक विराम। हम आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास रखते हैं कि आप इसी तरह हमारे संस्कृति समाचार दर्पण के लिए अपना प्रेम लुटाते रहेंगे। तो विदा लेने से पूर्व आइए इस विश्व की मंगल कामना के लिए उन्हीं पवित्र पंक्तियों को दोहराते हैं। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोय, यह अभिलाषा हम सब की भगवान पूरी होए। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।